हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मासिस्ट तैयब यूट्यूब चैनल एंड आई एम तैयब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जो नीचे रेड बटन नजर आ रहा है इसे प्रेस कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मेरी अपलोड हो किसी भी बुक की लेक्चर के हवाले से तो वो सब उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आप तक पहुँच जाए। आए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का फार्मास्यूटिकल 2 जो सब्जेक्ट है उसकी लेक्चर नंबर 3 आप सुन रहे हैं। इसका टाइटल है हमारे पास सिरप। इसकी सब हेडिंग देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी सब हेडिंग पे आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिरप क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, फिर टाइप ऑफ सिरप के हवाले से देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ सिरप कौन कौन से हैं और उन डिटेल से पढ़ेंगे। फिर प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है सिरप के वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा आईपी कैक सिरप जो है कि हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस है इसकी, लिहाजा इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम जी कि पैकेजिंग, लेबलिंग और स्टोरेज ऑफ सिरप की इंस्ट्रक्शंस और कंडीशंस क्या क्या है। और फिर हम देखेंगे कि सिरप के हमारे पास एडवांटेजेस कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन से हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जी सिरप और एलिक्सर के दरमियान डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। आए चले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सिरप। सिरप हमारे पास कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन है, यानी ये पानी से बना हुआ एक ऐसी प्रिपरेशन है जो जिसमें हम शुगर या शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट बाज़ दफ़ा ऐड करते हैं बाज़ दफ़ा नहीं करते, और इसी तरह मेडिसिनल एजेंट भी हम कभी ऐड करते हैं और कभी नहीं करते। ऐसी कंसंट्रेटेड एक्वस प्रिपरेशन को हम सिरप कहते हैं। ये जो सारी बातें हैं कि कब हम शुगर ऐड करेंगे, कब शुगर सब्स्टिट्यूट ऐड करेंगे, कब फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करेंगे कब नहीं करेंगे, कब मेडिसिनल एजेंट ऐड करेंगे कब नहीं करेंगे, ये हम आज की पूरी कंप्लीट वीडियो में डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी टाइप ऑफ सिरप को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइप है वो सिंपल सिरप की है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास मेडिकेटेड सिरप, और नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेडिकेटेड सिरप। इन तीनों को हम डिटेल से देखते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल सिरप। तो सिंपल सिरप की क्या डेफिनेशन होती है। सिर्फ हम अगर प्योरीफाइड वाटर लें और उसके अंदर सक्रोज ऐड करके उसका सॉल्यूशन बना दें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दें, तो उसको हम कहेंगे सिंपल सिरप। यानी कि सिर्फ दो कंपोनेंट है, वाटर प्लस सक्रोज या एनी अदर शुगर। तो एग्जांपल हमारे पास जो है सिंपल सिरप की, सिंपल सिरप यूएसबी है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से, यानी कि इसकी कंपोजिशन दी हुई है इसके अंदर। नेक्स्ट जो मैंने कहा था ना कि हम कहाँ कहाँ ऐड करेंगे चीज़ें, कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, तो सिंपल सिरप के अंदर हम सिर्फ शुगर ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा ना तो फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करेंगे और ना ही मेडिसिनल एजेंट ऐड करेंगे। इसकी कंसंट्रेशन देख लेते हैं। अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया को फॉलो करें तो ये हमारे पास 67.7% वेट बाय वॉल्यूम है। यानी अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेंगे सिंपल सिरप का तो उसमें 67.7 ग्राम जो है वो शुगर होगी। इसी तरह अगर हम यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को फॉलो करें तो इसमें 85% वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है सिंपल सिरप के लिए। यानी अगर हम 100 ml सिरप लें तो उसमें 85 ग्राम जो है वो शुगर होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी नेशनल फॉर्मूली को देखें तो उसमें हमारे पास फिर 85% ही वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब है कि 100 ml सिरप के अंदर 85 ग्राम जो है वो शुगर होगी। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास नॉन मेडिकेटेड सिरप है। तो नॉन मेडिकेटेड सिरप की डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा सिरप जिसमें हम फ्लेवरिंग एजेंट तो ऐड करें लेकिन जो है कोई मेडिसिनल सब्सटेंस ऐड ना करें। यानी ये वही, इसमें दो चीज़ें आ गई, एक तो हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं शुगर का वाटर के अंदर, प्लस उसमें फ्लेवरेट ऐड कर रहे हैं, कोई मेडिसिनल सब्सटेंस हम ऐड नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं नॉन मेडिकेटेड सिरप। इसके यूज़ क्या क्या है। ये हमारे पास एज ए फ्लेवरेंट टेस्टिंग व्हीकल, यानी टेस्ट को मास करने के लिए हमारे पास एज ए व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल होता है। कि ये हमारे पास पहले से प्रिपेयर पड़ा होता है, हमारा कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट लेते हैं यानी मेडिसिनल सब्सटेंस लेते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं और उसको मिक्स करके या जो भी डिफरेंट हम मेथड्स को फॉलो करके मेडिकेटेड सिरप बना लेते हैं। तो ये हमारे पास प्लेजेंट टेस्टिंग व्हीकल के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं जी। सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास कोका सिरप है। कोका सिरप को अगर देखें तो ये कैसे बनाया जाता है। ये हमारे पास सस्पेंशन होती है कोका पाउडर की, एक्वस व्हीकल होता है, वाटर एज ए व्हीकल के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको स्वीटेंड और थिकेंड किया जा रहा होता है सुक्रोज के साथ, लिक्विड ग्लूकोज और ग्लिसरीन के साथ, और अगर इसको फ्लेवर किया जा रहा होता है वनीला, और साथ में हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं। इसका यूज़ क्या कोका सिरप का, कि जब हमने बिटर टेस्टिंग ड्रग जो स्पेशल चिल्ड्रन को देनी हो जिसका टेस्ट बहुत कड़वा हो, तो हम क्या करते हैं उस मेडिसिनल एजेंट को हम
कोका सिरप में ऐड कर देते हैं स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये हमारे पास मेडिकेटेड सिरप बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी चेरी सिरप। चेरी सिरप की अगर बात करें तो ये हमारे पास सुक्रोज बेस्ड सिरप है जिसके अंदर चेरी जूस की जो कंसंट्रेशन है वो 47% अबव वॉल्यूम और टार्ट फ्रूट, क्योंकि हमारे पास जो तुर्श फल होता है ये हमारे पास बहुत से पेशेंट के लिए एक अट्रैक्टिव फ्लेवर के तौर पर एक्ट करता है और इसमें हमारे पास एसिडिक पीएच मिलती है चेरी सिरप के अंदर। तो ऐसी तमाम मेडिसिनल एजेंट्स मेडिसिन जिसको एसिडिक मीडियम एसिडिक व्हीकल चाहिए हो वो उसके लिए चेरी सिरप जो है वो एक्सीलेंट व्हीकल के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं जी ऑरेंज सिरप। ऑरेंज भी हमारे पास सुक्रोज बेस्ड सिरप है, इसके अंदर हम स्वीट ऑरेंज पील का टिंचर ऐड करते हैं प्लस साथ में सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है और टार्टनेस वो इंक्रीज हो सके सिट्रिक एसिड से, क्योंकि ऑरेंज जूस जो है एक बड़ा गुड व्हीकल के तौर पर एक्ट करता है और बहुत से पेशेंट को ये अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए यानी कि हम आर्टिफिशियल ऑरेंज जूस लाइक ये ऑरेंज सिरप बनाते हैं वही हम इसके अंदर कोई भी मेडिसिनल एजेंट, इसकी भी जो पीएच है वो एसिडिक यानी कि ऐसे मीडियम के तौर पर एक्ट करता है। तो हर वो ड्रग जो एसिडिक मीडियम जिसके लिए रिक्वायर हो या जिसमें उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एसिडिक मीडियम में स्टेबल रह सके उसके लिए हम ऑरेंज सिरप को ऐड करेंगे और उसको मेडिकेटेड सिरप बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास रेसबेरी सिरप है। रेसबेरी सिरप की बात करें तो ये सुक्रोज बेस्ड सिरप है जिसमें रेसबेरी जूस या तकरीबन 48% बाय वॉल्यूम ऐड किया जाता है। ये हमारे पास जो ऐसी ड्रग जो स्लाइम जिनका टेस्ट साल्टी होता है उस टेस्ट को कंपनसेट करने के लिए रिड्यूस करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। जब हम रेसबेरी सिरप के अंदर कोई साल्टी ड्रग ऐड करेंगे तो ये जो उसका साल्ट टेस्ट होगा वो खत्म हो जाएगा और रेसबेरी का अपना जो टेस्ट है वो ही रह जाएगा। अब इन सब में मैकेनिज्म क्या है यानी कि एक जनरल कॉन्सेप्ट देता जाऊँ यहाँ पे आपको कि कोका सिरप में चेरी ऑरेंज सिरप रेसबेरी इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे टेस्ट बड है ना जब हम इनमें से कोई एक सिरप को मेडिकेटेड सिरप बना लेते हैं तो जो हमारी मेडिसिन होती है मेडिसिन कंपोनेंट होता है वो हमारे टेस्ट बड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। इनमें से जो भी इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जाम्पल हमने रेसबेरी जूस का रेसबेरी सिरप इस्तेमाल किया तो जो रेसबेरी सिरप है ये हमारे टेस्ट बड के साथ और ये स्वीट इन टेस्ट होता है तो ये हमारे टेस्ट बड के साथ रिएक्ट करेगा और हमें जो है वो स्वीटनेस महसूस होगी। जो साल्ट या एक्टिव इंग्रेडिएंट का अपना साल्टी टेस्ट था वो हमें फील नहीं हो पाएगा तो इसलिए ये बड़े बेस्ट व्हीकल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट कैटेगरी है वो है मेडिकेटेड सिरप की। अब हम पहले हमने कहा सिंपल सिरप के अंदर के सिर्फ शुगर और वाटर व्हीकल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट कैटेगरी है वो है मेडिकेटेड सिरप की। अब हम पहले हमने कहा सिंपल सिरप के अंदर कि सिर्फ शुगर और वाटर को ऐड करो वो सिंपल सिरप बन जाता है, फिर हमने कहा फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर दो तो वो शुगर के साथ साथ तो वो हमारे पास नॉन मेडिकेटेड सिरप बनता है। अब तीसरी चीज जो मेडिसिन अगर हम उसमें ऐड कर दें यानी कि वाटर के अंदर शुगर प्लस फ्लेवरिंग एजेंट प्लस कोई भी मेडिसिनल एजेंट ऐड कर दें तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो मेडिकेटेड सिरप की मिलती है यानी इसका कोई ना कोई यूज होगा मेडिसिनल यूज होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जैसे प्रोजेसिक एक ब्रांड है इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे पास पैरासिटामोल होता है और इसका यूज एनाल्जेसिक है यानी पेन रिलीफ और दूसरा यूज इसका है जी एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जी वेंटोलिन हमारे पास ब्रांड है इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट एल्ब्यूट्रोल सल्फेट है और इसका जो यूज है वो ब्रोंकोस्पाज्म में और ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर एक्ट करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी हम डीपैकिन एक ब्रांड है जिसके अंदर सोडियम वेलपोरेट होता है और ये हमारे पास सीजर की ट्रीटमेंट और एंटी कन्वल्सेंट के तौर पे एक्ट करता है। इस तरह हमारे पास लाखों के हिसाब से डिफरेंट सिरप अवेलेबल है मार्केट में जिनके अपने अपने मेडिसिनल यूज है डिपेंडिंग अपॉन देयर मेडिसिनल एजेंट प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट देख लेते हैं जी के कंपोनेंट और सिरप कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम फार्मास्यूटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें जो फार्मुलेशन है वो बनानी आनी चाहिए। कब बनानी आएगी, जब हमें उनके कंपोनेंट्स का पता होगा। देखते हैं सिरप के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। जैसे अभी हम डिटेल से ऐसा ऐसा डिस्कस कर भी चुके हैं तो इसमें चार मेजर कंपोनेंट होते हैं प्योरीफाइड वाटर और मेडिसिनल एजेंट के अलावा। कौन कौन सा, नंबर वन शुगर, नंबर टू एंटी माइक्रोबियल प्रेजर्वेटिव, नंबर थ्री फ्लेवरेंट, नंबर फोर इज कलरेंट। तो इन सब को हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले शुगर को देखते हैं जी। बहुत सारे सिरप जो हम बनाते हैं उनमें हाई पोर्शन ऑफ शुगर हम इस्तेमाल करते हैं
तकरीबन टोटल जो सिरप होता है उसका 60 से 80% जो पार्ट है वो शुगर पे डिपेंड कर रहा होता है। हम सिर्फ मीठा करने के लिए शुगर नहीं ऐड कर रहे, इसके और बहुत से फंक्शन है शुगर ऐड करने के, जैसे विस्कोसिटी को इनहांस करता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सिरप का, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है शुगर का, तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है हमारे पास शुगर का वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। विस्कोसिटी ज्यादा होने से क्या होगा, जो मेडिसिनल एजेंट अंदर है उसकी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होगी अंदर। यानी ये नहीं होगा कि जो हमारा मेडिसिनल एजेंट है वो प्रेसिपिटेट कर जाए, नीचे बैठ जाए। यानी कि अगर हम जैसे कहते हैं जी कि आप 5 ml सिरप ले लें, तो वो 5 ml के अंदर एक खास कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जा रही होती है। अगर हम कंसंट्रेटेड सिरप ना बनाएं शुगर से, तो क्या होगा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर पार्टिकल्स की, मेडिसिनल एजेंट के पार्टिकल्स की पूरे सिरप के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब वो डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, प्रॉपर जो डोज डिलीवरी है वो बहुत नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए शुगर का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है सिरप फॉर्मुलेशन में। और नेक्स्ट ये है कि अगर हम कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो ना, तो हमें कोई एडिशनल प्रेजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती, स्पेशली जब हम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग कर रहे हैं कि बना के दे देना, 10-12 दिन के अंदर अंदर वो जो सिरप है वो इस्तेमाल हो जाना है, तो उसके अंदर एडिशनल प्रेजर्वेटिव की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर हमने उसे मार्केट करना है, उसे पूरा स्टोर करना है और एक लंबे अरसे तक लेके जाना है, उसकी हमें जो शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर 3 ईयर चाहिए, तो फिर हम उसके अंदर प्रेजर्वेटिव ऐड करते हैं। लेकिन आमतौर पे एक्सटेम्पोरेनियस कंपाउंडिंग के अंदर हम प्रेजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करते। हमारे लिए जो शुगर है वो ही बेस्ट प्रेजर्वेटिव के तौर पे एक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं जी, जो मोस्ट ऑफ शुगर हमारे पास इस्तेमाल हो रही है वो सुक्रोज है सीरप के अंदर। लेकिन बाज दफा ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जिसमें हम सुक्रोज को या तो पूरे का पूरा रिप्लेस कर देते हैं, या फिर इसकी कुछ कंसंट्रेशन, यानी कि अगर 50% सुक्रोज डाल रहे हो तो 50% कुछ और डाल लेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सुक्रोज को रिप्लेस करते रहते हैं। किन सब्सटेंस से रिप्लेस करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो है ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस। ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस कैसे होते हैं? हर वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में जाके ग्लूकोज में चेंज हो जाए, यानी उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हाइड्रोलाइजेशन के बाद, उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा अगर ग्लूकोज हो, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस। तो क्या हम बाद वह क्या करते हैं, सुक्रोज की जगह पे ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, बाद दफा हम नॉन ग्लाइकोजेनिक सब्सटेंस ऐड करते हैं, यानी कि जिनका फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं बनता, कोई और प्रोडक्ट बनेगा, या बाज हुआ ये होता है कि नॉन ग्लाइकोजेनिक जो हाइड्रोलाइज ही नहीं होते, ना एब्जॉर्ब होते हैं। अब नेक्स्ट इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर शुगर की बात करें, मोस्ट कॉमन जो है वो सुक्रोज इस्तेमाल कर रहे हैं या डेक्सट्रोज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्लाइकोजेनिक एजेंट नॉन शुगर की बात करें तो सॉर्बिटोल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, ये सारे के सारे जो है बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज में चेंज होते हैं। जो नॉन ग्लाइकोजेनिक एजेंट या नॉन सुक्रोज बेस या नॉन शुगर हम बात करें, जो स्पेशल हम डायबिटिक पेशेंट के लिए या उन पेशेंट के अंदर जिनमें जो शुगर है वो कंट्रोल्ड में इस्तेमाल करनी है या रिस्ट्रिक्टेड है जिनके लिए शुगर, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम सेलुलोज के डेरिवेटिव इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिथाइल सेलुलोज है, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज है। अब इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये हमारे बॉडी में जाके जो सेलुलोज के डेरिवेटिव है ना तो हाइड्रोलाइज होते हैं, यानी पानी की मौजूदगी में टूटते भी नहीं और बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होते। लेकिन इनकी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी भी ये देते हैं, ये स्वीटनेस भी देते हैं हमारे पास, यानी कि ये स्टेबिलिटी देते हैं थ्रू विस्कोसिटी अपनी जो करेक्टर की वजह से, और स्वीटनेस भी देते हैं। लेकिन ये जो है इसका फाइनल प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं होता। जब ग्लूकोज नहीं होगा तो हम डायबिटिक में इस्तेमाल कर सकेंगे, कि उसमें तो हमें ग्लूकोज देना ही नहीं होता। तो बाद जगह हम नॉन ग्लाइकोजेनिक एजेंट भी इस्तेमाल करते हैं जी। तो हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास जो है सीरप में वो है जी एंटी माइक्रोबियल प्रेजर्वेटिव। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो सीरप में नहीं होने देता, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रेजर्वेटिव कहते हैं। सबसे अहम जो हमारे जहन में क्वेश्चन आता है फार्मास्यूटिक्स को पढ़ते हुए कि इसकी अमाउंट कितनी डालेंगे, कौन सा और उसकी अमाउंट कितनी होगी। तो अमाउंट के हवाले से हमारे पास दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये कि वाटर कंटेंट जो है वो सिरप के अंदर कितना है, जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होता चला जाएगा उतना ज़्यादा प्रेजर्वेटिव डालने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा फैक्टर हमारे पास जो है वो प्रेजर्वेटिव के अपनी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रेजर्वेटिव जो है एक्स वाई जी वो 100 ml सिरप बनाने के लिए सिर्फ 1 ग्राम काफ़ी है, और दूसरा हमारे पास है FGH प्रेजर्वेटिव, वो 100 ml ही सिरप बनाने के लिए हमारे पास 10 ml
ग्राम प्रेजर्वेटिव डालना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, यानी कि इनकी प्रेजर्वेटिव की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी होती हैं कि वो कितना ज़्यादा पोटेंट है और कितना लेस पोटेंट है, इन दोनों फैक्टर्स को सामने रखते हुए कि सिरप के अंदर वाटर कंटेंट कितना है प्लस प्रेजर्वेटिव जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितना ज़्यादा कम मिकदार में रोक सकता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से प्रेजर्वेटिव हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। तो बेंजोइक एसिड सबसे पहले इस्तेमाल होता है 0.1 से 0.2%। नेक्स्ट हमारे पास है जी सोडियम बेंजोएट 0.1 से 0.2%, और नेक्स्ट हमारे पास है मिथाइल प्रोपाइल इथाइल पैराबेंजीन, ये भी 0.1% इस्तेमाल होता है। और नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल इस्तेमाल होता है 15 से 20%। अब अल्कोहल हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास सीरप के अंदर कोई अल्कोहल सोलूबल कंपोनेंट होगा तो हम फिर अल्कोहल ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त अल्कोहल डबल काम कर रहा होगा। एक तो हमारे पास जो कंपोनेंट है अल्कोहल सोलबल उसे सोलबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उसके जरिए सोलबल हो जाएगा वो कंपोनेंट, प्लस ये प्रेजर्वेटिव के तौर पे भी एक्ट करेगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेंजोइक एसिड 0.1 से 0.2%, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ml सीरप बना रहे हैं और उसमें आपने बेंजोइक एसिड को इस्तेमाल करना है तो ये 1 से 2 ग्राम जो है उसके अंदर हम डालेंगे। इसी तरह अगर अल्कोहल की बात करें 100 ml सीरप बनाने के लिए 15 से 20 ml हम अल्कोहल उसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी कि वो कौन कौन से ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम सीरप को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे कि हम इसकी जो स्टोरेज है वो लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए, यानी डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोजर ना हो ज़्यादा अरसे तक, और डायरेक्ट जो हीट फ्लेम है उसके नज़दीक ना जाए। प्रेजर्वेटिव तो हमने ऐड करना ही करना है ज़्यादा अरसे तक, अगर हमें शेल्फ लाइफ चाहिए 2 साल 3 साल तक के लिए तो प्रेजर्वेटिव मस्ट है। इसके अलावा हम ज़्यादा कंसंट्रेटेड सीरप बनाएंगे, यानी उसमें जो सुक्रोज या शुगर या नॉन शुगर कंपोनेंट होगा वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो भी एज ए प्रेजर्वेटिव के तौर पे हमारे पास काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फ्लेवरेंट को, फ्लेवरेंट यानी कि फ्लेवर करने के लिए, उसको कोई जायका देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका पर्पस ये होता है कि ये सिरप को प्लेजेंट टेस्ट दे। यानी अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो कड़वी है या साल्टी इन टेस्ट है या उसका कोई और जायका है स्वीट के अलावा, तो हम क्या करते हैं उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है वो हाइंड हो सके और जो हम फ्लेवरेंट ऐड कर रहे हैं वही उसका टेस्ट रह जाएगा। अब फ्लेवरेंट दो तरह के होते हैं, एक नेचुरली अकरिंग मटेरियल से बने होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं। अगर आमतौर पर बात करें ज़्यादातर हमारे पास सिंथेटिक फ्लेवरेंट इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और अगर वाटर सोलबिलिटी की बात करें इन दोनों में यानी कि नेचुरली अकरिंग सिंथेटिक दोनों जो फ्लेवरेंट होते हैं इनमें ज़्यादातर जो हैं वो वाटर सोलबल हैं और वही हमें चाहिए होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे वोलाटाइल ऑयल है यानी ऑरेंज ऑयल, इसके अलावा हमारे पास वेनिलिन है, और इसके अलावा और बहुत से फ्लेवरेंट हैं। अब जैसे मैंने अल्कोहल एज ए प्रेजर्वेटिव के तौर पे आपको पढ़ाया और साथ में कहा कि अगर कोई दूसरा कंपोनेंट हो जिसके लिए हमें अल्कोहल चाहिए उसकी सोलबिलिटी के लिए, यानी कि वो अल्कोहल सोलबल कंपोनेंट हो, तो हम क्या करेंगे अल्कोहल को ही एज प्रेजर्वेटिव के तौर पे डालेंगे। इसी तरह अगर कोई फ्लेवरेंट जो है वो अल्कोहल सोलबल हो तो हम थोड़ी सी अल्कोहल ऐड करेंगे ताकि ये फ्लेवरेंट जो है वो सीरप में सोलबल हो सके जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास था कलरेंट, यानी कि कलर देना हो। अब कलर क्या होता है, इससे जो अपील है सीरप की तरफ वो इन्हांस होती है, कि जैसे कोई चिल्ड्रन को हमने देना है तो अगर उसके फेवरेट कलर का होगा तो वो जल्दी उसको इंटेक करने पे राजी हो जाएगा। अब हम कलर कौन सा डालेंगे, कैसा फ्लेवर होगा वैसा ही हम कलर डालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम मिंट का फ्लेवर डाल रहे हैं तो हम ग्रीन कलर ऐड कर देंगे, अगर हम चॉकलेट का फ्लेवर डाल रहे हैं तो हम उसको ब्राउन कलर ऐड करेंगे। अब ज़्यादातर जो कलर ऐड होते हैं वो वाटर सोलबल होते हैं और जो है वो दूसरे कंपोनेंट से रिएक्ट नहीं करने चाहिए इन्हें, अच्छा फ्लेवरेंट वही होता है। और जो कलर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो स्पेसिफिक पीएच है हमारी सीरप की उसमें वो स्टेबल होना चाहिए, ऐसा कलर की क्वालिटी हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सीरप। ये हमारे पास टोटल 4 तरीकों से बनाया जाता है। पहला हमारे पास है कि सोल्यूशन बनाना है विद द एड ऑफ हीट, यानी कि हीट को इस्तेमाल करते हुए, डिटेल हम अभी आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरा कि हीट को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ एजिटेशन यानी कि हिला के मिक्स करके हम सॉल्यूशन बना लें। तीसरा हमारे पास मेथड है कि हम सुक्रोज ऐड कर दें किसी भी मेडिकेटेड लिक्विड या फ्लेवर्ड लिक्विड के अंदर। चौथा हमारे पास है परकोलेशन के थ्रू। आइए इन्हें हम वन बाय वन डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन बनाना है विद द एड ऑफ हीट, यानी हम हीट इस्तेमाल करेंगे। जब हमें बहुत जल्दी हो
यानी जितना जल्दी पॉसिबल हो हम सिरप बनाना चाहें ऐसी कंडीशन में, तो हम क्या करते हैं, हम इस मेथड को चूज़ करते हैं। अब इस मेथड में करते क्या हैं, हम प्योरीफाइड वाटर लेते हैं, उसके अंदर जो है वो शुगर ऐड कर देते हैं और हीट देते हैं, तो क्या होता है कि जो शुगर है वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, प्लस वो तमाम कंपोनेंट सिरप के जो हीट लेबाइल ना हो, हीट स्टेबल हो, उनको भी हम इसी वक्त ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छी तरह जो मिक्स हो जाएं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मिक्सचर को हम कूल डाउन कर लेंगे, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम एडजस्ट कर लेंगे, यानी जितना अप टू हमने फॉर एग्जाम्पल 100 ml बनाना, 1000 ml बनाना, तो जितना बाकी रह गया उतना हम और प्योरीफाइड वाटर उसमें ऐड कर देंगे। अब इस स्टेप पे आके हम क्या करेंगे कि वो सब्सटेंस जो वोलाटाइल इन नेचर थे या जो हीट लेवल थे वो ऐड करेंगे, और उसके बाद उसके टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे, यानी उसे कूल डाउन करेंगे और हमारे पास सिरप जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी इन्वर्ट सिरप क्या होता है। अभी जो हमने मेथड पढ़ा विद द एड ऑफ हीट, इसके लिए एक प्रिकॉशन के तौर पे इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं फार्मास्यूटिक्स में, कि जब हम हीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी एहतियात को सामने रखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा ना दे दें हीट, या जिससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट है यानी कि मेडिसिनल प्रोडक्ट को नुकसान होगा ही होगा, लेकिन हमारी जो शुगर है वो भी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, जब हम बहुत ज़्यादा जो अगर हीट दे देंगे तो हमारा, अगर फॉर एग्जांपल हमने सुक्रोज इस्तेमाल किया और सुक्रोज का हम सिरप बना रहे हैं, तो सुक्रोज जो है वो वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कि वो हाइड्रोलाइज हो गया और बनेगा डेक्सट्रोज और फ्रुक्टोज। अब हीट तो मौजूद है सोल्यूशन के दौरान, अब ये जो हमारे पास कंपोनेंट है डेक्सट्रोज फिर और ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये फाइनली फ्रुक्टोज के साथ मिलेगा, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके एक न्यू शुगर बना देंगे सुक्रोज की जगह पे, जिसे हम इन्वर्ट शुगर कहते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रिकॉशन के तौर पे पढ़ते हैं कि अगर ज्यादा हीट दे देंगे तो क्या होगा, उसमें इन्वर्ट शुगर बन जाएगी। अब इन्वर्ट शुगर के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फायदे को देखते हैं हम कि आम सिंपल सिरप से ये ज्यादा मीठा होगा। डिसएडवांटेज को देखते हैं कि इसके अंदर जो है फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू सिंपल सिरप जिसमें सुक्रोज हो। और दूसरा डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि इसका कलर जो है वो डार्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लेवलोज पोर्शन मौजूद है इन्वर्ट शुगर का, वो इसे डार्क कलर दे देगा, जो हमारा जो ओवरऑल सिरप का कलर ही जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो इन्वर्ट सिरप है नहीं बनाना चाहिए, यानी कि हीट के दौरान हमें हीट देते हुए इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि हीट हम जितनी चाहिए और जितने टाइम तक चाहिए उतनी दें, ज़्यादा ना दें। ज़्यादा देंगे तो हम इस तरफ आ जाएंगे। तो इसे हम कॉन्सेप्ट इसको पढ़ते हैं ताकि हम फार्मुलेशन के दौरान इसको होने से बचाएं। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास जो पहला है मेथड अभी हम पढ़ रहे हैं उसको, सॉल्यूशन बनाना विद एड ऑफ हीट, इसके दौरान प्रिकॉशन कौन कौन सी हैं। क्योंकि हमारा जो सुक्रोज होता है या शुगर जो दूसरी है वो हीट के दौरान जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए, जैसे अभी हमने पूरा फिनोमेना इन्वर्ट शुगर का फिनोमेना पढ़ा, तो हम क्या इसे ऑटोक्लेव भी नहीं कर सकते, यानी इसको स्टेरिलाइज करने के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ड्यूरिंग फार्मुलेशन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि किसी भी तरह की कंटेमिनेशन या जो माइक्रोबियल कंटेंट है वो इसमें ऐड ना हो सके, क्योंकि बाद में हम इसे ऑटोक्लेव से तो स्टरीलाइज नहीं कर सकते, और दूसरे प्रोसेस से कर सकते अगर हमें ज़रूरत हो, लेकिन हमें पहले ही फार्मुलेशन में ऐसा स्टेप्स को अचीव करना है ताकि स्टरीलाइजेशन की ज़रूरत ही ना रहे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम वाटर जो ऐड करना है वो प्योरीफाइड वाटर ऐड करेंगे, बॉइल्ड प्योरीफाइड वाटर ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे जो वाटर के अंदर भी जो थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने का चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा हम प्रेजर्वेटिव ऐड करेंगे ताकि शेल्फ लाइफ के दौरान भी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर सके। नेक्स्ट देखते हैं जी कि टाइट कंटेनर के अंदर हम इसे स्टोर करेंगे, ये तो तकरीबन हर सिरप के लिए ज़रूरी है। ये तो हम नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जो मेथड है हम सॉल्यूशन बनाना है एजिटेशन के जरिए, यानी कि मिक्सिंग के जरिए हीट को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो अगर हमें वो इन्वर्जन यानी सुक्रोज की इन्वर्जन से बचना है तो हम क्या करेंगे, हम हीट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिंपल एजिटेशन यानी हिलाने के प्रोसेस के जरिए हम सॉल्यूशन जो है या सिरप अपना तैयार कर लेंगे। स्मॉल स्केल में क्या होता है, स्मॉल स्केल में हमें अगर बनाना हो तो हम इसी को ही प्रेफर करते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास बाद दफ़ा कंपोनेंट जो है वो हीट लेबाइल होते हैं या हीट सेंसिटिव होते हैं, तो हम हीट की तरफ नहीं जा सकते, और हमें स्मॉल स्केल पे थोड़े मिकदार में बनाना होता है, तो हम इसी स्टेप को जो है वो प्रेफर करते हैं, इसी मेथड को प्रेफर करते हैं। इसमें होगा ये कि जितना हमने सिरप बनाना है उससे बड़ा हमें जो है वो बीकर ले लेना है, और
उसके अंदर हम अपने सारे कंपोनेंट ऐड कर देंगे और एक खास टाइम तक उसकी स्टिर करेंगे, उसे मिक्स करेंगे। इसका एक नुकसान ये है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ज़्यादा टाइम लगने के साथ जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की होती है, यानी उसमें कोई चेंजिंग सुक्रोज की सुक्रोज ही है, जो भी हमने ऐड किया वही शुगर उसमें रहेगी और इससे जो है स्टेबिलिटी इसकी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगर हमारे पास लार्ज स्केल पे जाना हो तो हमारे पास ह्यूज ग्लास लाइन स्टेनलेस स्टील टैंक्स होते हैं और साथ में उनके अंदर मैकेनिकल स्टीरर या एजिटेटर लगे होते हैं जो लार्ज स्केल में एजिटेशन के थ्रू हम सिरप बना सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि अगर हम सिरप जो है वो सॉलिड एजेंट का बना रहे हों तो हमें क्या करना है, हमें टोटल फॉर एग्जाम्पल हम 100 ml बना रहे हैं तो हमें 100 ml लिक्विड के अंदर सारे का सारा सॉलिड एक दफ़ा ऐड नहीं कर देना, हमें क्या करना है थोड़ा सा लिक्विड लें उसके अंदर सॉलिड एजेंट को अच्छी तरह डिसॉल्व कर लें और फिर उसे जो है वो उसका जो वॉल्यूम है वो मेकअप कर लें, इससे क्या होगा सॉलिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी सॉलिड एजेंट की, सिरप ज़्यादा अच्छा बनेगा। तीसरा मेथड देखते हैं जी, हमारे पास सुक्रोज को ऐड करना है मेडिकेटेड लिक्विड के अंदर या फ्लेवर लिक्विड के अंदर। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास पहले से टिंचर प्रिपेयर्ड है, अवेलेबल है, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट हमारे पास अवेलेबल है, हम क्या करते हैं उसके अंदर सिंपल सिरप जो हमारे पास बना पड़ा पहले से वो सिंपल सिरप उसके अंदर ऐड कर देते हैं या सुक्रोज या शुगर को हम जो है उसके अंदर मिक्स कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ये है जी कि अगर टिंक्चर और जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है जैसे हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 के अंदर कि वो अल्कोहलिक सोलबल कंपोनेंट उसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम उसमें जो व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं वो अल्कोहलिक या हाइड्रो अल्कोहलिक व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर हमें अल्कोहल सोलबल कंपोनेंट जो टिंक्चर के अंदर मौजूद हैं वो चाहिए तो फिर ये मेथड जो है वो वैलिड हरगिज़ नहीं है, हम इस मेथड से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, अगर हमें अल्कोहल सोलबल कंपोनेंट नहीं चाहिए हो तो फिर हम इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं टिंक्चर को लेते हैं उसके अंदर हम वाटर को ऐड करते हैं और उसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं तो थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, होता क्या है जो अल्कोहल सोलबल कंपोनेंट होते हैं वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाते हैं और हमारे पास सिर्फ प्योर जो है वाटर सोलबल कंपोनेंट रह जाते हैं, तो फिर हम फिल्टर कर लेते हैं, वो जो अल्कोहल सोलबल कंपोनेंट थे वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे और दूसरे जो हैं हमारे पास वाटर के जो सोलबल कंपोनेंट हैं वो वाटर के ज़रिए फिल्टर होके नीचे आ जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अल्कोहल सोलबल कंपोनेंट चाहिए तो वो तो इस मेथड के थ्रू हमने पहले फिल्टर कर देने हैं, तो उसके लिए ये बिल्कुल वैलिड नहीं है ऐसा टिंक्चर या ऐसा लिक्विड एक्सट्रैक्ट जिसमें अल्कोहल सोलबल कंपोनेंट हमें सीरम में चाहिए हो तो वो नहीं इस मेथड के जरिए हम प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए दूसरे मेथड हम अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास जो टिंक्चर है या फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है वो एक्वस प्रिपरेशन के साथ जो है वो इजीली सोलबल है तो हम डायरेक्ट जो है वो सिंपल सिरप उसके अंदर ऐड कर देंगे या फ्लेवर्ड सिरप उसके अंदर हम ऐड कर देंगे और सिरप हम प्रिपेयर कर लेंगे, यानी कि पूरा सेपरेशन के मेथड की तरफ नहीं जाएंगे। अगर वो वाटर सोलबल हो, वाटर मिसिबल हो टिंक्चर या फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, सिंपल उसके अंदर हम सिंपल सिरप ऐड कर देंगे और फाइनल हमारे पास सिरप तैयार हो जाएगा। लास्ट मेथड देखते हैं हम प्रिपरेशन का, परकोलेशन। परकोलेशन का प्रोसेस होता क्या है, पर मीना थ्रो क्लोर मीना स्टेन यानी छाननी में से गुजारना, यानी किसी भी चीज़ को छाननी में से गुजारा जाए तो उस अमल को हम परकोलेशन कहते हैं। अब सिरप बनाने के लिए हमें कौन सा परकोलेशन मेथड है, ये दो तरह के हैं। पहला हमारे पास ये है कि हम सुक्रोज का एक बेड बनाते हैं परकोलेटर के अंदर और ऊपर से हमारे पास जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है या टिंक्चर अवेलेबल है वो हम परकोलेट करते हैं, तो क्या होता है कि वो व्हीकल कंटेनिंग एक्टिव इंग्रेडिएंट या मेडिसिनल एजेंट वो शुगर बेड के अंदर से गुजर के परकोलेट होके नीचे हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे कलेक्ट हो जाता है। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम पहले खुद एक्सट्रैक्ट करें कंपोनेंट को यानी वेजिटेटिव पार्ट से या किसी दूसरे सोर्स से, तो फिर उसके बाद हम जो है उसके अंदर सिंपल सिरप या फ्लेवर जो सिरप है वो ऐड कर दें तो इसके जरिए भी हम सिरप को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरे वाला मेथड ज़्यादा डिफिकल्ट है। ओवरऑल अगर सिरप की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो दूसरे फार्मास्यूटिकल से ज़्यादा मुश्किल है। अब इसके अंदर कुछ आसान मेथड भी पड़े हैं, कुछ हमने डिफिकल्ट भी पड़े हैं, ये फार्मासिस्ट पर डिपेंड करता है वो कि वो किस मेथड को चूज़ करता है, प्लस जो सिरप की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं कि वो किस पार्टिकुलर मेथड ऑफ प्रिपरेशन से तैयार हो सकता है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास जो फार्माकोपियाज हैं उसके अंदर कौन सा मेथड उस स्पेसिफिक सिरप के लिए दिया गया है तो हम उसे फॉलो करना होता है। परकोलेशन को हम पढ़ रहे हैं तो इसके एक एग्जांपल पढ़ते हैं, आईपी कैक जो हिस्टोरिकली बड़ी अहम है। अब ड्रग जो आईपी कैक क्या आती है, ड्राइड राइजोम और रूट जो होते हैं ना, सेफिलस आईपी कैकोआना
वो होती है। अब इसके अंदर होते क्या क्या है, अल्कलॉइड्स होते हैं जैसे एमिटीन, सेफिलीन, साइकोट्रीन। अब हम इसको बनाते कैसे हैं, जो दूसरा मेथड पड़ा है कि जिसके अंदर पहले से हम खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाद में उसको परकोलेट करवा के उसके अंदर सिंपल सिरप जो है वो ऐड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे, परकोलेशन करेंगे आईपी कैक के पाउडर से, यानी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हम अलग कर लेंगे, पूरा परकोलेशन का प्रोसेस कैरी आउट कराएंगे। बाद में हमारे पास जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट आएगा उसके अंदर ग्लिसरीन या सिंपल सिरप जो है वो, या फ्लेवर्ड सिरप जो है वो ऐड कर देंगे और हमारे पास आईपी कैक सिरप जो है प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसके यूज़ को देख लेते हैं, इसकी इमेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी यूजुअल डोज जो है वो 15 ml है। बाद अब ऐसा होता है कि चिल्ड्रन जो है वो जैसे आयरन सिरप है उसमें डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट कलर ऐड किए होते हैं, अगर वो चिल्ड्रन का फेवरेट कलर हो तो वो क्या करेगा, वो उसे पी जाएगा। या कोई भी दूसरा सिरप है जिसका कलर या फ्लेवर बच्चे के टेस्ट को मैच करता तो वो सिरप को पी जाएगा, तो उसमें तो पॉइजनिंग हो जाएगी पूरे का पूरा। तो उस पॉइजनिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका जो स्टमिक कंटेंट को रिमूव करते हैं, एवैक्यूएट करते हैं इस आईपी कैक सिरप से। तो हम 15 ml उसे पिला देते हैं आईपी कैक, और तकरीबन 80% जो बच्चे होते हैं वो आधे घंटे के अंदर सारी वोमिटिंग कर देते हैं, यानी सारे का सारा जो सिरप है और गैस्ट्रिक कंटेंट है वो बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है कि जो सिरप उन्होंने गलती से पिया होता है वो आगे अब्जॉर्व होके ब्लड में नहीं जाता और इससे साइड इफेक्ट जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो सकते। यानी ये सिर्फ फर्स्ट टू और ऑफ इनटेक के दौरान हम ऐसा काम करते हैं, अगर टू और गुजर गए हों तो फिर हम इसकी तरफ नहीं जाते। और इसका कंप्लीट अगर आपने देखना है ना कि आईपी कैक के सिरप को इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप जो क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस 2 की वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं फाइनल प्रूफ के लिए, उस पे जाके आप इसका कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं कि एक फार्मासिस्ट को कब आईपी कैक इस्तेमाल करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इसके हम डिसएडवांटेज देखते हैं कि आईपी कैक का डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो ये है कि ये वोमिटिंग इंड्यूस करता है। डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि अगर इसका कंटिन्यूस यूज किया जाए तकरीबन 3-4 months तक, तो क्या होता है आईपी कैक सिरप से टॉक्सिक लेवल पे जब बॉडी टिश्यू में जाता है तो इससे डिफरेंट मसल्स जो है वो डैमेज होते हैं और इरिवर्सिबल डैमेज होते हैं, स्पेशली हार्ट के मसल्स, और हार्ट अटैक होने का चांस होता है। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स होते हैं इसकी टॉक्सिसिटी की, जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इसके अलावा हमारे पास लो ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट में इरेगुलरिटी आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं जी पैकिंग और सिरप के हवाले से कि सिरप को पैक कैसे करना चाहिए। तो बाकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की तरह इसके लिए भी हमें सेफ, सिक्योर और टेम्पर प्रूफ हैंडलिंग। टेम्पर प्रूफ क्या होता है कि अगर रास्ते में उसके कैप को खोला गया और उसके अंदर कोई चीज़ मिक्स की गई है या खोला गया है सिर्फ, तो उसका सबूत रह सके। यानी ऐसा हम कैप को मटेरियल इस्तेमाल करते हैं कि जब वो एक दफ़ा ओपन हो जाए तो जो नेक्स्ट जो यूज़र तक पहुंचेगा उसे पता चल जाएगा कि ये ओपन है या कंपनी से जो सील होके आया। तो इसे हम कहते हैं टेम्पर प्रूफ हैंडलिंग और पैकेजिंग होगी सिरप के लिए। अब पैकेजिंग के दौरान सबसे मेन चीज़ जो है, क्योंकि मैंने कहा ना ये ऑटोक्लेव भी नहीं किया जा सकता, इसको स्टीलाइजेशन करने के लिए भी हम ऑटोक्लेव भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बनाते हुए इसके अंदर कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करेंगे, कंटेमिनेशन ना हो सके, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। जनरल प्रोसीजर क्या होता है, पैकेजिंग का फिलिंग है, फिर कैपिंग है, फिर सीलिंग है, फिर कोडिंग और लेबलिंग है, लास्ट पे रैपिंग है। आइए इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर बॉटल्स जो होंगी उन्हें हम रिंस करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे एयर जेट क्लीनिंग के जरिए, और बाद में जो हमारे पास जो क्लीन हुई बॉटल्स को हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करते हैं, अगर हम 1000 जो है वो बॉटल्स को हमने वॉश किया तो हम उसके अंदर रैंडमली कोई 10-12 बॉटल्स ले लेंगे और उसे चेक करेंगे कि अब वाकई, यानी कि माइक्रोबियल टेस्ट किया जाते हैं कि उसके अंदर कोई माइक्रोब्स रह तो नहीं गए। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो क्या उसको हम नेक्स्ट स्टेप के लिए फिलिंग के लिए भेज देते हैं। तो फिलिंग के लिए वहाँ ऑटोमेटिक पिस्टन फिल मशीन मौजूद होती है जो इसको क्या करती है कि एक्यूरेट वॉल्यूम ऑफ सिरप डालती है। यानी कि जैसे हम 50 ml सिरप है तो हर बॉटल में जो है प्लस माइनस जो है वो इसकी रेंज दी होती है कि 2 ml या 3 ml प्लस माइनस हो सकता है, तो इस थोड़ी सी डेविएशन को अलाउड किया जाता है, बाकी ओवरऑल जो है इसकी एवरेज जो 50 ही आती है हमारे पास। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम इसकी कैपिंग करते हैं, कैपिंग मशीन होती है इसके लिए अलग। और अब हम क्या करते हैं, कैपिंग के बाद हम उसकी सीलिंग करते हैं, यानी प्लास्टिक या जो एल्यूमिनियम कैप्सूल हम जो है वो अटैच कर देते हैं बिल्कुल नेक के पास, यानी कि जब आप ताकि पहली दफ़ा जब सीलिंग ओपन हो तो
जो कंज्यूमर है उसे पता हो कि इसकी सीलिंग ओपन हुई है या नहीं हुई है। और इसके अलावा हम पैकेजिंग डेट भी, हमारे पास रिकॉर्ड का अहम हिस्सा होता है, और एक्सपायरी डेट भी जो है वो हम लेबल पे प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट हम लेबलिंग इंस्ट्रक्शंस को डिटेल से देखते हैं कि जैसे हर फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन के लेबल को उसकी डिस्पेंसिंग यूज़ के हवाले से या पेशेंट यूज़ के हवाले से तैयार किया जाता है कि उसके ऊपर लेबल जो है वो मेंशन किया जाएगा कि इट इज़ ओनली एक्सटर्नल यूज़, ऑरली यूज़ ओनली या टॉपिकल यूज़। तो इसका जो सिरप का होता है या हमारे पास ज़्यादातर जो है वो ऑरली यूज़ होता है, तो इसके अंदर इसके ऊपर हम बड़ा वाजे लिखेंगे कि फॉर ऑरली यूज़ ओनली इंस्ट्रक्शन देंगे। इससे बाकी सारे लेबलिंग के जो कंपोनेंट्स होंगे उससे ज़रा डिफरेंस करके लिखेंगे, यानी इसे या बोल्ड कर देंगे या अटैलिक कर देंगे या इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे इसको। तो और दूसरा जो है वो लेबल में एक्यूरेसी होनी बड़ी अहम है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट डालें वो भी लिखने हैं, और जो साथ में एक्सीपिएंट डालें वो भी सारे डिटेल से लिखने हैं कि इतनी इतनी परसेंटेज डाली गई है, और फिर फिजिशियन के हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो भी लिख देंगे, पेशेंट के यूज़ के हवाले से इंस्ट्रक्शन लिखनी है वो भी हम लिख देंगे। और जो है वो लेबल ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा जा सके, यानी कि आम नॉर्मल कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट हम स्टोरी की तरफ जाते हैं। तो अगर तो हम एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग कर रहा है, तो वहाँ तो हम जो है वो लेबल बड़ा सिंपल सा बनाएंगे, क्योंकि एक ही पेशेंट को हमने देना है, तो जो रिक्वायर्ड चीज़ें होगी वो हम उसके ऊपर लिख देंगे। सारी डोज नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसी की जो रिक्वायर्ड डोज होगी उसने लेनी होगी वो ही लिख देंगे कि आपने 2 teaspoon 2 times a day लेने हैं। तो जो भी यानी एक्स वाई जी उसकी डोज बनेगी वो उस पेशेंट के हवाले से लिख देंगे हम उसके ऊपर, और प्लस जो है वो उसमें एडिशनल लेबर की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम बना रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम डिफरेंट एडिशनल जो लेबल्स हैं वो ऐड करेंगे, यानी कि लेबलिंग कंटेंट के अंदर। और स्टोरेज के हवाले से ये है कि हमें इसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, और जो डायरेक्ट हीट कॉन्टैक्ट से बचाना है, इसे रूम टेम्परेचर पे हमें स्टोर रखना है, ताकि इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तरफ से बताई जा रही है उतने तक हम, यानी स्टोरेज पे डिपेंड कर रहा होता है कि जितनी अच्छी स्टोरेज होगी उतनी जो है उसकी एक्सपायरी जो है वो देर पाओगी। एडवांटेजेस देख लेते हैं जी इसके सिरप के। सबसे पहले ये एज कोई भी हो पेशेंट की उसके लिए ये फेवरेबल होता है, अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये नेचुरल और ईजीएस्ट रूट है। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये सस्ता ही होता है और पेशेंट के लिए सेफ भी है, और इसके लिए नर्सिंग की भी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, जैसे इंजेक्शन वगैरह या आईवी इंट्रामस्कुलर किसी भी तरह के इंजेक्शन लगाने के लिए नर्सिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें नर्सिंग की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि डिफरेंट तरह की जो मेडिकेशन है जिनके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है, जैसे हमारे पास कफ मेडिसन हैं तो उसके लिए हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म बनानी ज़रूरी होती है, और उसके लिए हमारे पास सिरप जो है एक बेस्ट चॉइस है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं जी, इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो डिलेड है। क्यों? क्योंकि ड्रग ने पहले स्टमक में जाना है, फिर उसने डिजॉल्व होना है गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर, फिर वो उसके कंपोनेंट अलग अलग होंगे, फिर वो इंटेस्टाइन तक पहुँचेगा, फिर वो अब्जॉर्व होकर ब्लड तक आएगा। तो ये सारे प्रोसेस के लिए हमें टाइम चाहिए, यानी जैसे हम इंजेक्शन के अंदर विद इन सेकेंड रिस्पॉन्स ले सकते हैं, सिरप के अंदर विद इन सेकेंड नहीं है, विद इन आवर्स के हवाले से हमें जो है एक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ये इसीलिए ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता, और ऐसे पेशेंट जो बेहोश हों यानी कि अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, या उनका जो है वो गैग रिफ्लेक्स बहुत कमज़ोर हो तो तब भी हम ये इस्तेमाल नहीं करते, ताकि लंग्स में ना चली जाए सिरप। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कि जो जिस पेशेंट की गैस्ट्रिक ट्रैक जो है वो ही इंटैक्ट नहीं है, यानी उसे डायरिया है, अल्सरेशन है, नोजिया है, इन कंडीशन में भी जो है वो सिरप इस्तेमाल नहीं हो सकता, ये इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा ये फर्स्ट पास इफेक्ट होता ही होता है, यानी कि इसके में डोज जो है रिक्वायर्ड डोज से ज़्यादा देनी होती है, ताकि जब वो लीवर से गुजरे और उसकी जो डोज को लीवर मिनिमाइज करता है, कैप्सरी जो है वो ड्रग को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसलिए इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट एज कम्पेयर टू इंजेक्शन ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट और लास्ट हम डिफरेंस देख लेते हैं जी कि सिरप और एलिक्सर में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सीरम में अल्कोहल जो है वो नेसेसरी कंपोनेंट नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम अल्कोहल डालें, सिर्फ तब हमने डाला जब फ्लेवरेंट अगर अल्कोहल कंपोनेंट सोलबल हो या कोई और ऐसा कंपोनेंट मौजूद हो सीरम में जो अल्कोहल सोलबल, तो हम बहुत थोड़ा सा या एज ए प्रेजर्वेटिव के तौर पे हम डालते हैं, लेकिन इसका बुनियादी कंपोनेंट अल्कोहल नहीं है। लेकिन जो एलिक्सर होता है उसमें अल्कोहल जो है वो बुनियादी कंपोनेंट होता है। दूसरा डिफरेंस हमारे पास ये है कि
सुक्रोज जो है ज्यादा मीठा होता है एज कम्पेयर टू एलिक्सर। और नेक्स्ट जो है कि इसमें अगर ज्यादा स्वीट है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ज्यादा शुगर है, ज्यादा शुगर है तो ये ज्यादा विस्कस है सिरप एज कम्पेयर टू एलिक्सर। और इसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर पाई जा रही है एज कम्पेयर टू एलिक्सर, हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर पाई जा रही है तो ये मोर माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए ज्यादा फेवरेबल है क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है शुगर के साथ साथ, जिसकी वजह से जो माइक्रोबियल ग्रोथ होने का चांस ज्यादा है। इसीलिए हम सिरप को लेस स्टेबल कहते हैं एज कम्पेयर टू एलिक्सर, क्योंकि एलिक्सर के अंदर अल्कोहल कंपोनेंट भी आ जाता है, अल्कोहल खुद एज ए प्रेजर्वेटिव के तौर पर एक्ट करता है और वाटर कंटेंट जो है वो एलिक्सर में कम होता है। इसलिए अगर सिरप और एलिक्सर के रिलेटिवली बात की जाए तो एलिक्सर ज्यादा स्टेबल है सिरप से। नेक्स्ट जो है वो सिरप को बनाना मुश्किल है, जैसे अभी हमने चार डिफरेंट मेथड पढ़े एज कम्पेयर टू एलिक्सर। नेक्स्ट हमारे पास लेकिन, क्योंकि इसके अंदर हम ज्यादा शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं सिरप के अंदर और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें जो टेस्ट मास्किंग इफेक्ट है वो सिरप का ज्यादा है एलिक्सर से। और जो एलिक्सर है ये क्लियर फॉर्मुलेशन देता है, सिरप हमारे पास क्लियर फॉर्मुलेशन नहीं देता, कलर के हवाले से बात कर रहा हूँ। लास्ट वन जो डिफरेंस है इसमें हमारे पास ये है कि सिरप के अंदर जो अब हम सुक्रोज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो डायबिटिक पेशेंट के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, हमें डायबिटिक पेशेंट के लिए स्पेशल से अलग नॉन ग्लाइकोजेनिक शुगर इस्तेमाल करके सिरप बनाना पड़ता है। लेकिन एलिक्सर के अंदर ऐसा नहीं है, एलिक्सर को डायबिटिक पेशेंट भी इजीली इस्तेमाल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड बटन नजर आ रहा है इसे प्रेस